नमस्कार, आप श्लोक आइए दोहरो, एक श्लोक एक दिन, अश्लोका एक, वंस अगेन इन दिस कंटिन्यूअस ट्रिटाइज ऑफ गॉडेस त्रिपुर सुंदरी पंचस्त्री, वी आर रेगुलरली रिमेम्बरिंग, memorizing, chanting, meditating upon the Ananya Swarupa of the goddess Mahatripura Sundari. She is in diverse forms. She is Sharika, she is Sharda, she is Maharajna, she is Jwala, she is Sharda, she is Mahakali, she is Bhadrakali, she is Vidyadharani. She is every single form of goddess. She is Parvati, she is Uma. She is the feminine one who energizes, who supplies energy to this whole cosmos. We are here to take up fourth shloka from fourth chapter today. The shloka goes like this. Shlok kuch yun hai. Shlok ke hi put. Avirbhavat pulak santati bhi sharirayih nishand manasal leh nay nay वागभिश्च गद्गद पादविरुपासते ये पादौ तवाम्ब हृदयेषु त एव दन्यः आविर्भवत् पुलकत् पुलक संस्थितिभिः शरीरैः निश्चंद मानस लय नय नैश्च नित्यं वागभिश्च गद्गद पादभिरुपासते ये पादौ तव अम्ब हृदयेषु त एव दन्यः हे माता, इसका अर्थ कुछ यूं है, हे माता प्रकट बने हुए रोमांचों की पंक्तियों से युक्त, शरीरों से बहते हुए जल से युक्त, अश्रु धारा भरे नेत्रों से और गदगद शब्दों वाली हिचकी बंधे हुए वाणियों से, जो भक्तवर तुम्हारे चरणों को निरंतर अपने हृदयों में पूजते हैं, मन में धारण करते हैं, वे ही भक्त शलाज्य अर्थात आपसे एकता प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। Who is deserving one to be the one who can receive the grace from the Mother Supreme, the one who follows the intense bhakti path, matra woh jo ashru ki dhara bahate hue dil se man se चिंतन से अपनी समूची चेतना से हृदय से अपने उद्गार उस भवानी के चरणों में समर्पित करे, तो वही होता है वह सुई नफर दुष्पन उद्गार वायु अनुष तिम चरण त्रायु तिमन चरण कमलन मंजरोज शरण बस सुई भगवती से एक तिम अर्थ जन परम संत परम महामनुष्य परम महामहेश्वराचार्य स्वामी श्री राम जी ने आश्रम पठाम तिम अनुवाद तिंद शिष्य तिम प्राप्त कौर तिम ट्रांसलेशन तिम भाव तिम वद्गार तिम कोटि कोटि प्रणाम ओम महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।